हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, साउंड वेव्स टॉपिक के अंदर हमने लास्ट लेक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स डिस्कस किए थे, जैसे प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। देखिए, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है? द वेव इज कंटिन्यूसली मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम। नाउ इन टूडेज लेक्चर we are going to discuss the two types of waves on the basis of vibration of particles in the medium। देखिए, transverse wave and longitudinal wave, ये दो types हैं। यहाँ पर transverse waves, transverse का meaning क्या होता है? Perpendicular, okay, to the direction of propagation of the wave। देखिए, transverse wave की definition यहाँ पर क्या दी है? A wave in which the particles of the medium vibrate in a direction परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। देखिए, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ओके, तो दिस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द मेन पोजिशन इनिशियली बिफोर डिस्टर्बेंस ऑकर। नाउ वंस द डिस्टर्बेंस ऑकर हियर, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अप एंड डाउन लाइक दिस, ओके। सो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, दैट्स वाई इट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। देखे, यहाँ पर अगर एक स्ट्रिंग हम कंसिडर करते स्टूडेंट, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स एट द रिजिड सपोर्ट, ओके, एंड अदर एंड इज मूविंग अप एंड डाउन लाइक दिस। तो देखिए, यहाँ पर एक क्रस्ट फॉर्म होता है, ओके, एंड दैट क्रस्ट मूव्स टूवर्ड्स द फिक्स एंड। सो जैसे हम कंटिन्यूसली यहाँ पर वन एंड दैट इज फ्री एंड यहाँ पर मूव करेंगे अप एंड डाउन, ओके, तो यहाँ पर क्रस्ट फॉर्म होगा एंड इट मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें पता है कि वेव जब प्रोपोगेट होते हैं थ्रू द मीडियम, तो वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अदर पॉइंट ऑफ द मीडियम। देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्रस्ट फॉर्म हुआ है, तो क्रस्ट कैसे मूव होता है यहाँ पर? देखिए, जैसे कैटरपिलर मूव होते हैं ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी तरह से ये वेव्स यहाँ पर मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है स्टूडेंट, ओके। देखिए, यहाँ पर फ्री एंड जब हम मूव करेंगे अप एंड डाउन, तो यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द स्ट्रिंग ऑल्सो मूव्स अप एंड डाउन, ओके, एंड इन दिस वे एनर्जी गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अदर पॉइंट ऑफ द मीडियम। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट होते स्टूडेंट, दे डू नॉट मूव, दैट मीन्स व्हाइल प्रोपोगेशन ऑफ द वेव टेक्स प्लेस ओनली एनर्जी मोमेंटम वेलोसिटी गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अदर पॉइंट ऑफ द मीडियम। मैटर डज नॉट मूव, मैटर डज नॉट ट्रांसफर, सिर्फ यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन, वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते हैं। मैटर यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, दैट मीन्स देर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस व्हाइल द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। देखिए, यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करते स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए ध्यान से, पार्टिकल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होता है, राइट, अप एंड डाउन, और इस तरह से क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, राइट स्टूडेंट। देखिए फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। देखिए, पार्टिकल ऑफ मीडियम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट होता है, तो वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होता है, सो दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। और मीडियम में जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल होती है, राइट स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज और एनिमेशन द्वारा आपको फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है, तो आपको एक सिंपल काम करना होगा। हमारा जो ऐप है क्लास का, ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद, जस्ट प्ले स्टोर में जाना है आपको और इस ऐप को डाउनलोड करना है। Right, students, see you then. Thank you.